कि दोस्तों आपके पास अगर एक डॉबरमैन है, चाहे एडल्ट हो या पपी हो, तो आप उसको एक बहुत सारा ख्याल रखते हैं, बट कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आप मतलब मिस कर जाते हो, या फिर आपके पास न्यू डॉग ओनर हो, या फिर पहली बार अगर आप डॉबरमैन ले रहे हो, तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने चाहिए कि आप ऐसे केयर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ कि कैसे आप केयर कर सकते हैं आप डॉबरमैन की, ताकि आपका डॉबरमैन काफ़ी हेल्दी रहे और फिट रहे। तो गाइस शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप डॉबरमैन लेने की सोच रहे हैं तो आपको पता होगा कि उनके स्वभाव के बारे में, कि वो एक गार्ड डॉग होते हैं, काफ़ी एक्टिव डॉग ब्रीड होते हैं, और उनकी हेल्थ भी काफ़ी फिट होती है, और काफ़ी एनर्जी से भरे हुए डॉग ब्रीड होते हैं। और उनके साथ साथ आपको भी उनके ख्याल रखने के लिए वैसा बनना पड़ेगा, आपको भी उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और डॉबरमैन काफ़ी एनर्जी से भरा होता है, इसलिए अब उसके साथ साथ जो उनका ऑनर होता है वो भी काफ़ी एनर्जी से भरा होना चाहिए। और डॉबरमैन काफ़ी शक्तिशाली स्ट्रॉन्ग ब्रीड होते हैं, और ख़ास इनको गार्ड डॉग के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और पुराने समय में इन डॉग को जो है पुलिस में भी यूज़ होता है, अभी भी होता है, और बहुत सारे लोग जो है अभी भी इनको फार्म हाउस होते हैं, चाहे गाँव में विलेज में उधर रखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी बॉडी की। तो इनकी बॉडी काफ़ी दोस्तों लीन होती है, काफ़ी स्मूथ होती है, और उसके साथ साथ काफ़ी स्ट्रांग भी होती है। तो उसके कारण उसका ध्यान भी आपको रखना पड़ता है, जैसे कि रेगुलर ब्रशिंग वगैरह करना हो गया आपका, और कभी कभार क्या होता है कि जो हेल्थ होता है उसको आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। उनकी जो बॉडी है उस हिसाब से आपको उसका डाइट बदलना पड़ता है, मौसम के हिसाब से उसका खाना चेंज करना पड़ता है, कभी कभार कुछ प्रोटीन विटामिन होते हैं वो आपको ऐड करने पड़ते खाने के अंदर, और कभी कभार जो है डॉबरमैन बीमार पड़ता है उसके हिसाब से उसको जो है न्यूट्रिशन और उसके बॉडी का टेम्परेचर भी ध्यान आपको रखना पड़ता है। तो कभी भी अगर आप डॉबरमैन ले रहे हो तो जैसे जैसे वो एडल्ट होता जाता है, यानी बड़ा होता जाता है, उस हिसाब से आपको जो है उसके जो खाना भी वो भी चेंज करना पड़ता है। फूड वगैरह आप जो देते हो उसमें देखना पड़ता है कि कितना न्यूट्रिशन है, और डॉक्टर के पास से आप ला के उसको जो है मल्टीविटामिन ज़रूर दीजिएगा, ताकि उसकी बॉडी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। अब बात करते हैं डॉबरमैन के जो है बीमारी उसको कौन कौन से हो सकती है। जैसे कि उसको जो कभी कभार आंतड़ों की बीमारी हो सकती है, हिप डिस्प्लेसिया हो सकता है, लूज मोशन, और कभी कभार डॉग बीमार पड़ सकता है। हालांकि डॉबरमैन जल्दी से बीमार नहीं पड़ता, बट कभी कभार उसको ऐसा कुछ प्रॉब्लम या इन्वायरमेंट में चेंज आ जाता है, या फिर मौसम में कभी ख़राबी होने के कारण कभी कभार डॉबरमैन जो है बीमार पड़ सकता है, बट वो कमज़ोरी के कारण भी हो सकता है। उसके साथ साथ कभी कभी हड्डियों में प्रॉब्लम आती है, मांसपेशियों में दर्द रहता है, ऐसी सारी बीमारी जो है डॉबरमैन को हो सकती है, तो उनका आपको खास ख्याल रखना है। अब बात करते हैं उनके आँखों और उनके कानों का आप कैसा ख्याल रख सकते हैं। तो उसमें आपको क्या होता है कि जैसे आप कभी कभार नहलाते हो, या फिर डॉबरमैन को पानी के साथ कभी कभार खेलने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि उसके कान के अंदर या फिर आँख के अंदर पानी ना जाए, उसका आपको ज़रूर से ध्यान देना है। नहीं तो क्या हो सकता है, वो कान के अंदर इन्फेक्शन फैलना चालू हो जाएगा, और कान काफ़ी ज़्यादा दर्द करेगा, आपका डॉग बार बार बार्क करेगा या फिर बोलने की कोशिश करेगा। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि वीक में एक बार या उसका कान ज़रूर से साफ़ करके रखिएगा, देखिएगा कुछ कचरा वगैरह तो नहीं जा रहा अंदर, कुछ फंसा तो नहीं है, पानी वगैरह तो नहीं, इन्फेक्शन तो कुछ नहीं लग रहा है। आँखों में से आपको पता चल जाएगा, आँखों से कुछ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, बट उसकी कानों को आपको ख्याल रखना पड़ेगा। और डॉबरमैन के नाखून होते हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा आपको संभाल के दोस्तों कट करना पड़ता है, उसके नाखून भी ज़्यादा बड़े नहीं होने देने चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि उसके नाखून के कारण भी उसका पैर कभी लेग बेंडिंग की प्रॉब्लम भी उसको थोड़ी थोड़ी हो सकती है। इसलिए भी कभी कभार क्या करना है, उसको नाखून अगर बढ़ रहे तो आप कट कर सकते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो आप डॉक्टर के पास जाके उसके नाखून कट करवा सकते हैं। अगर आपको थोड़ा भी बहुत डाउट लगता है कि मैं नहीं काट पा रहा, तो आप बिल्कुल मत कट करिएगा, आप डॉक्टर के पास या फिर किसी जो पेट शॉप है उनके पास जाके कट करवा सकते हैं। क्योंकि अगर क्या होता है कि उनका रेड जो पोर्शन होता है उसके अगर आप कट कर देते तो ब्लडिंग चालू हो जाएगी, तो उससे दिक्कत हो सकती है। इसलिए अगर आपको नहीं आता है तो आप ज़रूर से पेट शॉप वाले के पास जाके कट करवा सकते हैं। और जो नेक्स्ट केयर करने की आपको ज़रूरत है वो है उनका जो है टिक्स की प्रॉब्लम। टिक्स बोल सकते हो आप, डेंड्रफ बोल सकते हो, या स्किन इन्फेक्शन बोल सकते हो, या स्किन एलर्जी भी आप बोल सकते हो उसको। उससे क्या होता है, ये डॉबरमैन में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है कभी कभार, कि अगर आप उसकी कोट की अच्छे से केयर नहीं करते, रेगुलर ब्रशिंग नहीं करते, जो आप शैम्पू यूज़ करते हैं हमेशा शैम्पू ऐसा यूज़ कीजिएगा जो कि आपके डॉबरमैन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि उसको डेंड्रफ हो रहा है तो आप डेंड्रफ का शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, स्किन एलर्जी हो रही है तो स्किन एलर्जी का आप शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, टिक्स वगैरह हो रहे हैं जो खून चूसते हैं वो टिक्स अगर हो रहे तो उसका शैम्पू आप यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर पाउडर डाल सकते हैं, टिक्स का आता है वो,
तो उसके कारण क्या होगा कि वो टिक्स भी चले जाएंगे। टिक्स ज़्यादा करके क्या होता है गर्मियों के सीज़न में, या फिर कभी कभार आपका डॉग पानी के अंदर बैठ जाता था तभी उसको टिक्स आने चालू हो जाएंगे, और टिक्स फिर रुकेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा बॉडी पे फैलना चालू हो जाते हैं, इसलिए उसका जल्दी से इलाज कीजिएगा। उसके साथ साथ जो एलर्जी होती है आप स्किन एलर्जी, वो भी उसको पानी के साथ हो सकती है, या फिर आपका डॉग कभी कभार आप बाहर ले जाते हो घास फूस में जाता है या वहाँ से भी एलर्जी उसको हो सकती है, कभी कभार कहीं नीचे बैठ जाता है तो उसके कारण रैशेस वगैरह हो सकती है, रेडनेस आ सकती है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। केयर के साथ साथ जो है उसको डिसिप्लिन भी, एक्सरसाइज भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज आप प्रॉपरली उसको सुबह शाम आप ज़रूर से कराएं, अगर सुबह शाम नहीं करा सकते तो दिन में एटलीस्ट उसको एक बार एक घंटा तो आप ज़रूर से एक्सरसाइज कराएं। एक्सरसाइज यानी उसके साथ आप बॉल के साथ खेल सकते हैं, उसको कुछ बेसिक ट्रेनिंग आप दे सकते हैं, और वॉक पर ले जाते टाइम भी आप कुछ उसको रनिंग करवा सकते हैं, जिसके कारण उसकी हेल्थ काफ़ी अच्छी बनी रहेगी। और डॉबरमैन को रनिंग करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, खेलना भी अपने ओनर के साथ काफ़ी अच्छा लगता है, तो उनके साथ साथ आप ऐसा अगर आप रखते बॉल के साथ खेलते हो उसको प्रॉपरली एक्सरसाइज कराते तो उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा आपको फ्रेश देखने को मिलेगी और उसकी बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा फिट रहेगी। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि डॉबरमैन अगर आप लाते हो, आप फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हो, तो उसको सोशलाइज ज़रूर करें, ट्रेनिंग साथ साथ में ज़रूर दे। सोशलाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके फैमिली मेम्बर के साथ, बच्चों के साथ, बाकी लोगों के साथ, उसके कारण वो ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होगा और कभी कभार बाइट या फिर कभी कभार अटैक करता है वो, ऐसी सारी चीज़ें वो नहीं करेगा फिर। बट आप जैसे सिक्योरिटी वगैरह वो आप उसे सिखा सकते हैं, बार करना कोई आता है तो बस बार करे, बट अगर आप उसको ज़्यादा काटना वगैरह सिखा दे तो वो आपके लिए मुसीबत हो सकती है, इसलिए ज़्यादा उसको एग्रेसिव ना बनाए, फ्रेंडली और एक अच्छा गार्ड डॉग बना सकते हैं आप। गाइस जो पानी होता है वो डॉबरमैन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे डॉग ओनर या फिर ऐसे जो न्यू डॉग ओनर होते हैं वो ऐसी मिस्टेक करते हैं कि उनको ज़्यादा पानी नहीं देते, बट आप उनको ज़्यादा पानी देते हो पीने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ज़्यादा करके गर्मियों के सीज़न में उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करता है। और ठंडी जैसी अभी है तो ठंडी के हिसाब से आप ज़्यादा उसको ठंडा पानी ना दें, बट आप नॉर्मल टेम्परेचर का पानी अगर दो तो बेस्ट रहेगा। पानी देने से क्या होता है कि उनके जो डाइजेस्ट सिस्टम है वो काफ़ी क्लीन रहता है, जिसके कारण उनको पोटी या फिर टॉयलेट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, और ख़ास करके उनको एनर्जी जो बढ़ाने के लिए एनर्जी बनी रहती है उनके, वो पानी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए, तो पानी आप दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कभी भी ऐसा बचा कुचा पानी मत दीजिएगा, अगर जैसे कि आप एक घंटे पहले रखते हो और वही वो डॉग पी रहा है पानी तो वो कुछ मीनिंग नहीं करता, वो उतना पानी आप फेंक दीजिएगा और आप फ्रेश पानी उसको प्रोवाइड करें तो बेटर रहेगा। और जैसे एनर्जी की बात कर रहा हूँ तो एनर्जी को बढ़ाने के लिए उनको नॉनवेज भी आपको देना पड़ेगा, अगर आप वेजिटेरियन हो घर पे आप नहीं ला सकते हो तो आप उसको कहीं बाहर जाके नॉनवेज वगैरह दे सकते हो, बॉइल्ड एग दे सकते हो, बॉइल्ड चिकन दे सकते हो, उसका जो पानी आता है वो आप उसे दे सकते हो, ग्रेवी वगैरह कभी कभार खाने को दे सकते हो। रेगुलर बेसिस पे नहीं देना, नहीं तो उसको हैबिट हो सकती है। आप कभी कभार आप दे तो हफ्ते में एक दो बार दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसके कारण उसकी एनर्जी बनी रहेगी, जो उसको प्रोटीन चाहिए नॉनवेज से वो अच्छा खासा जो है उसको मिल जाएगा, एग से भी मिल जाएगा काफ़ी अच्छा प्रोटीन, जो कि ठंडी के सीज़न में उसके अंदर शरीर में गर्माहट पैदा करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हेल्पफुल रहेगा, और ज़्यादा ठंडी भी उसको नहीं लगेगी। बट ये सब कुछ डिपेंड करता है कि सीज़न के हिसाब से, अगर गर्मियों में आप ज़्यादा दे तो वो नुकसानदायक हो सकता है उसे, बरसात में आपको थोड़ा सा देना, ज़्यादा देना नहीं है, इस हिसाब से जैसे जैसे आपको टेम्परेचर चेंज हो जाता है, मौसम चेंज होता है, उस हिसाब से भी उसका खाना आपको देना है, ऐसा नहीं कि सारे मौसम में आप एक जैसा खाना दो। ठंडी में आपको थोड़ा सा गर्म वाला खाना उसको दे सकते हैं, तो जो गर्मी में उसको थोड़ा सा ठंडा वाला खाना या फिर ज़्यादा नॉनवेज वगैरह नहीं देना, नहीं तो तभी ज़्यादा गर्मी उसको लग सकती है, तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो गाइस इस वीडियो में ज़्यादा कुछ कवर नहीं किया, जो बेसिक पॉइंट होता है वो आपको बताया, आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दी है। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।